मसलन नोट कीजिए, इस सूरह मुबारका के आगाज में कुरान मजीद की अजमत का बयान है, सूरह वाकया के आखिरी रुकू में इसका जिक्र आया है, फला उक्सिमु बिमवाक़िउन नुजूम व इन्नहु लक़समुन लौ तअलमून अज़ीम इन्नहु लक़ुरआनुन करीमुन फी किताबिन मकनूनिन ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून तंज़ीलुम मिन रब्बिल आलमीन। जबकि यहां अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान, इसके बाद यहां इसके फौरन बाद अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों का जिक्र किया है। नेमतें वो कि जिनसे इंसान बराह रास्त मुतमत्ते होता है, जमीन के अंदर उसने इंसान की परवरिश का सामान रख दिया है, इसमें फल हैं, इसमें मेवे हैं, इसमें खजूर के दरख्त हैं, इसमें गिलाफ वाले वो फल हैं कि जो गिलाफों में बंद होते हैं, फिर इसमें वो भी हैं कि जो जमीन के ऊपर चलने जमीन ही के ऊपर रहने वाले पौधे हैं, और कुछ वो भी हैं कि जो ऊपर बुलंदी तक उठते हैं, इसमें भूस वाले अनाज भी हैं, इसमें हर तरह का इंसान के लिए साजो सामान रख दिया गया है, उसने दरिया चलाए हैं उन्हीं में से मोती और मुख्तलिफ तुम्हारी तजीन और आराइश का सामान निकल रहा है, नबातात में जहाँ गल्ला है वहाँ फल भी हैं, मजीद ये कि फूलों के लिए रानाई और इस में एक खूबसूरती और हुस्न जो अल्लाह ने अता फरमाया है जिसमें खुशबू है रायहा है, ये तमाम चीजें जो हैं आप देखेंगे उस तरतीब में कि सूरह वाकया के दूसरे रुकू के आखिर में यही चीजें आई। उसलूब बदला हुआ मिलेगा, यहां बयानिया अंदाज है, अल्लाह ने ये किया, अल्लाह ने ये किया, अल्लाह ने ये किया, व लर्दा वदा लिल अनाम अल्लाह ने ये किया, उसमें ये कुछ पैदा किया, मरज अल बहरैन यल्तकियान अल्लाह ने ये किया, वहां सवालिया अंदाज है, तुमने देखा पानी को जो तुम पीते हो, क्या तुम उसे उतारते हो बादलों से या हम उतारते हैं, तुमने देखा ये नबातात जो पैदा हो रही है, मा तहरुसून ये जो तुम काश्त करते हो, इसके काश्त करने वाले हम हैं कि तुम हो, पालता है बीज को मिट्टी की तारीकी में कौन, अल्लामा इकबाल की मशहूर जो नज्म है वो दर हकीकत उसका उसलूब यहीं से माकूस है, अंतुम तज़रऊन हम नहनु ज़ारिऊन, तुम उसे परवान चढ़ाते हो और पालते हो या हम उसके परवान चढ़ाने वाले हैं, उसको काश्त करने वाले हम हैं, तुम देखते हो वो पानी जो तुम पीते हो, तुमने उतारा या हमने उतारा, फिर ये दरख्त ये आग जो तुम हासिल करते हो, इसका दरख्त हमने उगाया कि तुमने उगाया, तो वही नेमतों का जिक्र, और नेमतें भी वो कि जिनसे इंसान बराह रास्त मुतमत्ते होता है, जिससे उसकी बुनियादी एहतियाजात वाबस्ता है, नेमतें तो बेशुमार है अल्लाह की, इन तउद्दू नेमत अल्लाह ला तुहसूहा, तुम अगर शुमार करना चाहो तो उसका एहसास नहीं कर सकोगे, लेकिन वो नेमतें कि जिन बराह रास्त इस्तेफादे वाली नेमतें हैं सूरह रहमान के शुरू में और सूरह वाकया के फिर इख्तिताम पर, यानी जो तरतीब यहां से चल रही है शुरू से आखिर की तरफ, वो तरतीब वहां पर आखिर से इब्तिदा की तरफ चल रही। इसके बाद देखिए इस सूरह मुबारका में सूरह रहमान में फिर अहले जहन्नम का जिक्र आता है दूसरे रुकू में, मुख्तसर है वो मैं बाद में अर्ज करूंगा, इख्तिसार के साथ है लेकिन है उन लोगों के लिए, बैन हमीम आन बैन हुआ बैन हमीम आन, और वो जहन्नम का तस्करा, और युरफुल मुजरिमून बिसीमाहुम, ये तमाम नक्शा उसी तरीके से अस्हाबु शिमाल की तरतीब जो है वहां पर वो आपको जब आखिर से पीछे की तरफ आएंगे तो पहले अस्हाबु शिमाल आपको मिलेगा, यहां इधर से पहले है वहां आखिर से पहले, उसके बाद इस सूरह मुबारका के आखिर में जन्नतान और फिर जन्नतान, दो दो जन्नतों के दो जोड़ों का जिक्र है, ये अल्लाह ताला की नेमतें, वहां पर भी दो हिस्सों के अंदर, एक वो है कि जो मुकर्रबून है उलाएकल मुकर्रबून फसाबिकून साबिकून उलाएकल मुकर्रबून और असहाबुल यमीन, उनका जिक्र हुआ है, वहां इब्तिदा में वो था, यहां जो है इंतहा इस सूरह मुबारका की उस पर पूरी। इस तरतीब से देखेंगे तो एग्जैक्ट इमेज बनेगा, मिरर इमेज बनेगा, जो यहां इब्तिदा में है वहां इंतहा पर है, जो यहां नंबर दो पर है वो वहां लास्ट बट वन है, इसी तरीके से आखिर में आकर जुड़ जाते हैं कि सूरह रहमान का तीसरा रुकू मुश्तमल है किस चीज पर, अल्लाह की जन्नत के अंदर जो नेमतें हैं उनकी तफसीलात पर, इसी तरह सूरह वाकया का पहला रुकू मुश्तमल है जो मुकर्रबून हैं उनको जो नेमतें मिलने वाली हैं उनकी तशरीह पर तफसील पर, और असहाबुल यमीन के लिए अल्लाह ने जिन नेमतों का सामान किया है उनकी शर्बस्त पर, तो ये मिरर इमेज बन जाता है। एक बात इनमें और कदर मुश्तरक के तौर पर नोट कीजिए, इन दोनों सूरतों के माबेन
अगरचे ये इंजार के ग्रुप में है, ये दोनों ग्रुप मैंने अर्ज किया है कि ये इनका मरकजी मजमून इंजार है, इन दोनों सूरतों में इंजार पर तबशीर का रंग गालिब है। ये मुख्तलिफ मवाक़े पर मैं आपको बताता चला आ रहा हूं जो हज़रात तसलसल से मेरे इस दस में शरीक रहे हैं कि हर ग्रुप में उस ग्रुप के आम मजमून और उमूद के साथ साथ एक जामियत पैदा करने के लिए दूसरा रंग भी कहीं ना कहीं लाकर शामिल कर दिया जाता है ताकि बिल्कुल यकरुख अंदाज ना बन जाए, वहां भी लोकल मोनोटनी ना हो जाए कि उस जगह पर जो है वो बहुत ही यकसानियत और यक रंगी हो, बल्कि एक बुलकलमूनी का अंदाज हो, रंगारंगी हो, जिसमें कि इंसान को फितरी तौर पर दिलचस्पी जो है होती है और उसकी दिलचस्पी बरकरार रहे। इन दो सूरतों में आप देखेंगे कि इंजार पर तबशीर का रंग गालिब, इसलिए कि जन्नत की नेमतों का जिस तफसील से यहां जिक्र है, सूरह रहमान का आखिरी रुकू सबसे बड़ा है और उसमें जिस तफसील से और जिस शरह बस्त के साथ उन जन्नतों की नेमतों का जिक्र है, मैं अगर गलती नहीं कर रहा तो शायद कुरान मजीद में कोई और मकाम इसका हमपल्ला इस एतबार से नहीं। अगर कोई करीब आता तो फिर सूरह वाकया ही का वो पहला हिस्सा है जिसमें फिर उन नेमतों का तफसील के साथ जिक्र है, जबकि असहाब जहन्नम का जिक्र यहां पर बहुत इख्तिसार के साथ दूसरे रुकू के इख्तिताम पर आता है। इसी तरह असहाब शिमाल जो है सूरह वाकया में, उनका जिक्र भी बड़े इख्तिसार के साथ मुख्तसर अल्फाज में आया। तो एक दोनों के दरमियान कदर मुश्तरक जो है वो ये। इसी को मैं जो और इस्तिलाहात आपको बताता रहा हूं जो शाह वलीउल्लाह देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इख्तियार की है अल्फाज़ुल कबीर में, अत्तज़कीर बे आलाइल्लाह और अत्तज़कीर बे अय्यामिल्लाह। तज़कीर बे अय्यामिल्लाह यानी अल्लाह के उन अजीम दिनों के हवाले से नसीहत और याद दहानी जिनमें कौमों की हलाकत के वाकयात नुमा हुए, पूरी पूरी कौमों को खत्म कर दिया गया। ज़क्किर हुम बे अय्यामिल्लाह, वो अल्लाह के खास दिन थे जिसमें इतना बड़ा फैसला अल्लाह का जो है नाफिज हुआ कि पूरी पूरी कौमें जो है नसीह मनसिया कर दी गई। उसके हवाले से जाहिर बात है उसका ताल्लुक जुड़ता है इंजार के साथ, उसका ताल्लुक जुड़ता है रिसालत के साथ, लेकिन यहां पर चूंकि मैं अर्ज कर चुका हूं तबशीर का रंग ज्यादा नुमाया है, लिहाजा ये दोनों सूरतें अत-तज़कीर बिअय्यामिल्लाह के तस्करे से बिल्कुल खाली। इन दोनों सूरतों के अंदर किसी रसूल का और किसी रसूल की कौम की हलाकत का कोई जिक्र नहीं, जबकि इससे पहले की सूरतों में वो रंग मौजूद था। बहुत इजमाल के साथ सूरह काफ में है, सूरह जारियात में कदर तफसील के साथ है, उसके बाद सूरह नजम में इजमाल के साथ है, लेकिन सूरह कमर में तो हम देख चुके हैं खासी तफसील, जो इन सूरतों का हुजूम है उसके एतबार से कहा जाएगा खासी तफसील से। ज्यादा तफसीलात तो सूरह आराफ में आई हैं, सूरह शुरा में आई हैं, लेकिन ये कि ये तीन तीन रुकुओं की सूरतें हैं, इनमें जिस कदर तफसील मुमकिन थी सूरह कमर में वो मदामीन आए। तो आप यूं कह सकते हैं कि इन दो सूरतों के अंदर कुल का कुल तज़कीर बे आलाइल्लाह है, अल्लाह की नेमतों, अगरचे इस लफ्ज़ की मजीद वजाहत मैं अभी करूंगा कि आला का मफहूम सिर्फ नेमतें नहीं है, अल्लाह की कुदरत की निशानियां भी उसके आला में है। जो आयात आफाकिया और आफात अनफुसिया है वो और अल्लाह की वो नेमतें, और नेमतें भी उसके भी कई दर्जात हैं। एक नेमतें बिल्कुल हिस्सी नेमतें हैं जिनका एहसास हर शख्स को होता है, पानी पीता है हर शख्स को एहसास होता है, प्यास थी तस्कीन हो गई हर शख्स को एहसास है, भूख लगी हुई थी खाना खाता है इस नेमत का एहसास हर शख्स को हो जाता है, थका हुआ था आराम करता है कोई जगह मिल जाती है इस्तराहत की, इस नेमत का हर एक को एहसास। बाज़ नेमतें मानवी हैं, उनका इदराक और शऊर जो है हर कहो मह को नहीं होता, उसके लिए जरा इंसान के हिस का बेदार होना जरूरी है। इसी तरीके से और निहायत लतीफ़ नेमतें हैं अल्लाह की जिनका एहसास और शऊर करने के लिए हिस का बहुत तेज होना जरूरी है, लेकिन यह कि बहरहाल नेमतों के भी दर्जात हैं। और फिर अल्लाह ताला की एक ही चीज असल में होती है कि जो एक पहलू से उसकी कुदरत की निशानी है, एक पहलू से उसकी रबूबियत की निशानी है। सूरज और चांद एक तरफ अल्लाह की कुदरत का मजहर है, खालिक है सूरज का और चांद का, वो हस्ती के जो इनको जकड़े हुए है कानून के अंदर, ये अल्लाह की कुदरत उसकी अजमत उसकी किबरियाई की निशानियां, इन्हीं से हमारा निजाम रबूबियत वाबस्ता है। यही सूरज की गर्मी है जो हमारी फसलों को पालती है, परवान चढ़ाती है, पकाती है, यही हवाओं का निजाम इसी सूरज की वजह से इसकी हरारत की वजह से है कि हवाएं चलती हैं और बारिश का निजाम है, ये पहलू उसमें रबूबियत का है। रबूबियत के इदराक और शऊर के नतीजे में जज्बा शुक्र उभरना चाहिए और अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियों के मुताले और मुशाहदे से उसकी अजमत का नक्श कल पर कायम होना चाहिए।
जब अजमत का नक्श कायम होगा तो झुकाव होगा वही के जो रुकू और सुजूद इंसान का मानन और जाहिरन अल्लाह के सामने झुकते चले जाना, इस झुकने की अवलीन मंजिल रुकू है और उसकी आखिरी और तकमीली जो कैफियत है वो सजदा है। इसीलिए हदीस में आया कि अकरब मा यकून अल अब्द इला अल्लाह फि सुजूद, करीब तरीन जो बंदा होता है अल्लाह के सजदे में होता है। तो आला के लफ्ज को जरा इस वसत के साथ जहन में रखिए कि इसमें नेमतों का पहलू भी है, कहीं अल्लाह की कुदरत की निशानी का इजहार है, कहीं पर अल्लाह ताला की किसी खास शान को बयान किया जा रहा है, लेकिन यह है कि है तज़कीर बे आलाइल्लाह। सूरह रहमान में यह बहुत ज्यादा नुमाया है, इसमें तो बार बार 31 मरतबा दोहरा कर वो आयत आ रही है कि फबे अय्ये आलाए रब्बे को बातु कज़बान। इस पहलू से अगरचे तज़कीर बे आलाइल्लाह के एतबार से तवील तरीन सूरत कुरान मजीद की सूरतुल नहल है, जिसमें मुख्तलिफ एतबारात से नेमतें जाहिरी बातनी मुख्तलिफ पहलुओं से एक एक को लिया गया है, मेरे नजदीक उसके एतबार से नुक्ता उरूज जो है उसकी शर्व बस्त के पहलू से वह सूरतुल नहल है, लेकिन सूरह रहमान उसका नुक्ता उरूज करार पाती है इस पहलू से कि कॉम्पैक्ट अंदाज में सिर्फ 3 रुकुओं वाली सूरत के अंदर इन आला अल्लाह का जिस तरीके से जिक्र हुआ और उस पर जिस तरह बार बार सवाल किया जा रहा है सब अय्ये आला रब्बुका बातु कज़बान, तो इस शान में कुरान मजीद की कोई दूसरी सूरत जो है वो सूरह रहमान के साथ शरीक नहीं। अब जरा इसका एक खास रब्त और ताल्लुक साबिक सूरत के साथ भी नोट कर ली। इसमें सूरतुल कमर का आगाज हुआ है नबूवत मोहम्मदी की अला साहिब सलातु वस्सलाम अजीम तरीन हिस्सी निशानी। मैं यहां जानबूझकर लफ्ज मौजज़ा इस्तेमाल नहीं कर रहा, मैं तशरीह कर चुका हूं पहले सूरह कबर के दर्स के दौरान कि टेक्निकली मौजज़े का लफ्ज का इतलाक होना चाहिए उन चीजों पर जो मतालबे पर और तहदी और चैलेंज के साथ दिखाई जाए, लेकिन जहां वैसे ही एक इजहार हो रहा है किसी निशानी का, वो जो खरक आदत है वो अगर गैर नबी के जरिए से जाहिर होती है तो उसे करामत कहते हैं, और नबी के जरिए से जाहिर हो रही हो खरक आदत तो उस पर मौजज़े का लफ्ज जो है उसका इतलाक कर दिया जाता है, लेकिन यह इतलाक मजाजी होगा। मौजज़ा कहते हैं उस शय को जो आजिज कर देने वाली हो, और आजिज कर देने वाली चीज के अंदर 2 पहलू होने जरूरी है, या तो कौम ने मुतालबा किया हो कि यह करके दिखाओ तो हम तुम्हें मान लें, जैसे कि हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के साथ मामला पेश आया, कौम ने मुतालबा किया इस चट्टान में से अभी एक गाबन ऊंटनी बरामद हो जाए, अगर साले ये करके दिखा दो तो हम तुम्हें मान ले, और वो मुतालबा पूरा किया गया। अब ये गोया कि आजिज कर देने वाली शय, जैसे आप कहते हैं अल अजबतुल मुस्किता, चुप कर देने वाले जवाब। एक जवाब वो होते हैं जिसमें इफाम व तफहीम रद्दो कदा का मौका होता है, काला कूल का भी की गुंजाइश होती है, और एक जवाब वो होता है कि जो मुखातिब को बिल्कुल मुखातब को बिल्कुल खामोश करके रखते, चुप करके रखते। तो मौजज़ा अच्छा है कि फिर उनके पास कोई उज्र न रह जाए, अगर वो उसके बाद भी नहीं मान रहे तो गोया कि अब साबित हो गया कि इनमें सिरे से कोई आमादगी नहीं है, कबूल हक की कोई इस्तेदाद की रमक मौजूद नहीं रही है, लिहाजा इस तरह के मौजज़े दिखाने के बाद फिर कौम की हलाकत यकीनी हो जाती। या मौजज़ा उसको कहेंगे कि जिसमें नबी दावे के साथ कोई चीज पेश कर रहा, उसकी अहम तरीन मिसालें जो है वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का के जो मौजज़ात हैं कि जब पहली मरतबा दरबार में आप आए हैं और जब मालूम हुआ कि फिरौन इनकार पर तुल गया है, मैं तुम्हें कैसे चखा, मैं तुम्हें खुली निशानियां दिखा दूं, मैंने कहा दिखाओ अगर तुम दिखाने वाले। फिर बाकायदा मुकाबला हुआ, उसमें तहदी थी, उसमें चैलेंज था, बाकायदा जादूगरों के साथ मुकाबला हो रहा है, उसमें वो जादूगर जो है वो आजिज आ गए। तो मौजिज शय वो है जो आजिज कर दे, तो मौजज़े का लफ्ज मेरे नजदीक उसका इतलाक टेक्निकली जो है वो होना चाहिए इन्हीं 2 किस्म की चीजों पर। वैसे ये कि अंबिया के जरिए से अल्लाह की शानें जाहिर होती रहती हैं, अल्लाह की कुदरत खुसूसी जो है वो आम तबी कवानीन को तोड़कर और फाड़ कर, इसीलिए खरक आदत का लफ्ज इस्तेमाल कर, उससे अल्लाह की कोई खास शान जो है वो जाहिर हो जाती है। उन्हें निशानियां कहेंगे, आयात कहेंगे, बय्यनात कहेंगे, लेकिन लफ्ज मौजज़ा का मेरे नजदीक उस पर इतलाक होगा मजाजी तौर पर, हकीकतन नहीं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असल मौजज़ा सिर्फ कुरान मजीद है, इसलिए कि इसी के बारे में तहदी है और चैलेंज है। सूरह बनी इसराइल में चैलेंज दिया गया, कुल लैन इस्तमातिल इंसु वल जिन्नु अला अन यातु बिमिस्लि हाज़ल कुरान ला यातूना बिमिस्लिहि वलौ काना बाज़ुहुम लिबाज़िन ज़हीरा, नबी कह दीजिए, थ्रो एन ओपन चैलेंज
कि अगर तमाम इंसान और तमाम जिन मिलकर वो इस कुरान जैसी तसनीफ लाना चाहें तो नहीं ला सकेंगे, चाहे वो एक दूसरे के मददगार बन जाएं, कितनी ही अपनी कुव्वतों को अपनी सलाहियतों को पूल कर लें, जमा कर लें, नहीं कर सकें। और इसमें फिर यह कि बरसबीले तनज़ुल कहां तक बात पहुंचा दी गई, सूरह हूद में फरमाया गया अच्छा 10 सूरतें ही ले आओ इस कुरान जैसी, अच्छा ये भी नहीं कर सके तो एक सूरत ही ले आओ, ये सूरह यूनुस के अंदर, ये गोया के बरसबीले तनज़ुल यहां तक बात आ गई है मक्की सूरतों में, एक सूरत ही ले आओ इस कुरान जैसे। उसी को फिर दोहराया गया है मदनी सूरतों में से सूरह बकरा में, उसके बिल्कुल आगाज में तीसरे रुकू में, وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اس میں اصل زور جو ہے یہ وَلَن تَفْعَلُوا، پھر اگر یہ نہ تم اگر نہ کر پاؤ اور ہرگز نہیں کر سکو گے، یہ جو چیلنج ہے اور تحدی ہے یہ اس کا انداز جو ہے اس کو نوٹ کریں، تو معلوم یہ ہوا کہ حضور کا اصل معجزہ قرآن ہے۔ اسی لیے میں نے لفظ استعمال کیا ہے شق القمر کے لیے کہ یہ عظیم ترین حسی نشانی جو ظاہر ہوئی، آنکھوں سے دیکھی جانے والی نشانی، قرآن معنوی معجزہ ہے، اس کے احساس و ادراک کو انسان کا شعور باطنی کر سکتا ہے، جس میں فصاحت اور بلاغت کا کوئی ذوق ہے وہ پکار اٹھے گا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں، جس کے اندر معنی سے کوئی مناسبت ہے، اس کی ذہنی اور فکری سطح بلند ہے، جو غور و فکر کرتا ہے وہ پکار اٹھے گا کہ قرآن نے جو بھی حل پیش کیے ہیں انسان کے عمرانی اور تمدنی مشکلات کے اور مسائل کے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس اعتبار سے یہ معنوی معجزہ ہے، لیکن یہ کہ حسی معجزات جو حضور کے، وہ معجزے کا لفظ پھر میں استعمال کر رہا ہوں مجازی طور پر، جو حضور کے ذریعے ظاہر ہوئے، ان میں عظیم ترین نشانی جو ظاہر ہوئی ہے وہ شق القمر ہے۔ تو سورہ قمر کا آغاز ہوا ہے اس کے ذکر سے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اور سورۃ الرحمن کا آغاز ہو رہا ہے حضور کے عظیم ترین معجزے کے ذکر سے، کہ جو در حقیقت سب سے بڑا معجزہ اور اصل معجزہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری بات اس کے ساتھ تعلق میں نوٹ کیجئے کہ اس سورہ مبارکہ میں، جیسا ابھی میں بیان کر چکا ہوں کہ بقیہ جتنی سورتیں اس گروپ کی ہیں انہی کے مناسبت سے، بلکہ وہ مضمون کلائمیکس کو پہنچا ہے سورہ قمر میں، اس میں اللہ کی ہیبت، اللہ کا جلال، اللہ کا غضب، اللہ کی سزا، یہ ہے کہ جس کا بار بار ذکر آتا ہے، فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ، یہ لفظ جو آ رہے ہیں بار بار، کیسا رہا، کیسی رہی میری سزا، کیسا رہا میرا ڈرانا۔ اب یہ انداز ہے وہاں، اس میں ایک پر جلال اور پر ہیبت حاکم، حاکم حقیقی، شہنشاہ ارض و سما، اس کا جلال اور اس کی ہیبت جو ہے وہ زیادہ نمایاں ہوئی۔ سورہ رحمان میں اللہ کی ہستی کا جمالی رخ سامنے آ رہا ہے، اس میں اس کی رحمت، اس کی ربوبیت، اس کی شفقت، خلق خدا پر اس کی کا جو التفات ہے، اس نے اس دنیا میں کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا ہے، اور آخرت میں اپنے نیکوکار بندوں کے لیے کیسی کیسی نعمتوں کا سامان فراہم کیا ہے۔ تو یہ رنگ کا ایک فرق ہے کہ وہاں ہیبت اور جلال کا رنگ، انذار کا رنگ، یہاں تبشیر کا رنگ، رحمت اور ربوبیت کا رنگ، یہ زیادہ نمایاں ہے۔ تیسری بات جو ہے وہ اسی کی مناسبت سے نوٹ کر لیجئے کہ سورہ قبر کا آخری لفظ اور سورہ رحمان کا پہلا لفظ جو ہے وہ بھی اسی نسبت سے، وہاں وہ شان ہے ہیبت والی، وہ کیا ہے، عند ملیک مقتدر، یہ اللہ کی شان ہے، بادشاہ ہے، صاحب قدرت ہے، فعال لما یرید ہے، جو چاہے کر گزرنے والا ہے، اس کے فیصلوں کے آڑے آنے والا کوئی نہیں ہے۔ گویا کہ یہیں پر یہ چیز بھی مندرج ہے کہ منزل الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر شفاعت کے لیے زبان تک کھول سکے۔ اب یہ شان عند ملیک مقتدر، یہ ہے وہ رنگ ہیبت والا، جلال والا، اور الرحمن یہ ہے اللہ کی وہ جمالی شان کہیے، جس میں رحمت کا وہ نقشہ سامنے آتا ہے کہ جیسے ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، رحمت کی ایک ہیجانی اور طوفانی کیفیت وہ ہے کہ جس سے اس سورہ مبارکہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو یہ چند باتیں میں نے اپنے ذہن میں مرتب کی تھیں کہ ابتدائی تمہید کے طور پر اس سورہ مبارکہ کے، ایک تو یہ کہ مصحف میں ہم کس مقام پر ہیں، یہ بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ انسان قرآن مجید کی اس وسعتوں کے اندر گم سا نہ ہو کر رہ جائے۔ نظم قرآن کا سرا ہاتھ میں رکھنا بہت مشکل کام ہے، کافی اس کے لیے ایک شعوری محنت درکار ہوتی ہے۔ ویسے بھی یہ کہ قرآن مجید کا
जो हुस्न है और उसके अंदर जो अजमत है। तो कदम कदम पर मामला यही है कि दामने दिल में कशत के जा ही जा करिश्मा, दामने दिल में कशत के जा ही जा। और जब इंसान उसके उस पर गौर व फिक्र तदब्बुर के अंदर गुम हो जाता है तो फिर मा कबल और मा सबक के साथ फितरी तौर पर उसका ताल्लुक जो है कुछ कमजोर होने लगता है। तो उसके लिए जरूरी है कि उस दौर के सिरे को हाथ से न जाने दिया जाए और बार बार ताजा किया जाता रहे कि तरतीब वो सब क्या है और उसके एतबार से हम इस वक्त किस मकाम पर है, फिर उस मकाम की इम्तियाजी शान क्या है, उसका एक अलहदा अपनी जगह पर उसके अंदर क्या उसलूब और क्या रंग ज्यादा नुमाया है। अब हिम्मत करके मैं इस सूरह मुबारक का दर्स शुरू कर रहा हूं। मैंने हिम्मत का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया है कि जैसे इसी ग्रुप की मक्कियात में सूरह हदीद अव्वलीन है मदनियात में, और उसके एक मकाम के बारे में मैंने आपको जो हजरात भी शिरकत फरमाते रहे मेरे दुरूस में इमाम राजी का एक जुमला बारहा सुनाया है जो सूरह हदीद की आयत नंबर 3 है, हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। इसके बारे में इमाम राजी के अल्फाज, एलम मन हादल मकाम मकाम मुहीब गामिज अमीक, के हुशदार के रहबर दमे तेगस्त कदम रहा, होशियार हो जाओ, ये तलवार की धार पर चलने वाली बात है, अब तुम्हारे कदम तलवार की धार पर आ गए हैं, जरा इधर हुए कुफर और जंदका है, जरा उधर हो गए इल्हाद हो जाएगा। तो तौहीद की वो एक ऐसी ताबीर है, जात व सिफात बारी ताला का वो नाजुक मकाम है कि उससे आसानी से गुजर जाना आसान काम नहीं। यही बात है जिसको उन्होंने कहा। इसी तरह इस सूरह मुबारक में, ये मैं इन तमाम सूरतों के मुश्तरक बस की हैसियत से पहले बयान करता रहा हूं, आज वो बात फिर रह गई थी तो अब दोबारा उसमें इजाफा कर लीजिए। फसाहत और बलागत और अदबियत और उसमें खास तौर पर जाहिरी पहलू, महासिन जाहिरी, महासिन एक तो ये इबारत का मानवी जो है पहलू, मानवी हुस्न, उसके मफहूम और उसके मारिफत की गहराई, एक है उसका जाहिरी हुस्न। जाहिरी हुस्न के एतबार से ये सात सूरतें मिलकर कुरान मजीद का क्लाइमेक्स, कुरान मजीद का नुक्ता उरूज, नुक्ता कमाल बनती, और लुगत के एतबार से मुश्किल तरीन सूरतें भी। सूरह तूर के बार मकामात बहुत मुश्किल है लुगत के एतबार से। और ये जो वस्फ है इन सूरतों का मुश्तरक, जो सूरह काफ से शुरू हुआ, सूरह काफ, जारियात, तूर, नजम, कमर और फिर रहमान और वाकया, इन सब के अंदर ये कदर मुश्तरक है। इनमें ये वस्फ जो है सबसे ज्यादा जो है नुमाया वो इस सूरह मुबारक। जाहिरी हुस्न के दो पहलू होते हैं, उसको भी नोट कर लीजिए। एक तो अल्फाज खुशनुमा हो, खूबसूरत हो, जाहिरी हुस्न उसमें नुमाया। दूसरे ये कि उसमें सौती आहंग हो, वो डिवाइन म्यूजिक जिसे मैं कहा करता हूं, इस कुरान के अंदर एक मलकूती गिना है, इसमें डिवाइन म्यूजिक है, वो डिवाइन म्यूजिक भी इस सूरह मुबारक में अपने क्लाइमेक्स पर है। जाहिरी हुस्न के एतबार से जो मकाम इस सूरह रहमान का है पूरे कुरान में, उसी को जाहिर किया है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इन अल्फाज मुबारक में। मैंने आज कोशिश की थी कि मैं उसका हवाला कहीं तलाश कर लूं, लेकिन मुझे इतना वक्त नहीं मिला है। मैंने ये कौल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ा है, इस वक्त मैं बगैर हवाले के दर्ज कर रहा हूं, और कमा काला उसके साथ अर्ज कर दूंगा। हुजूर के अल्फाज जो मुझे याद हैं वो ये हैं कि सूरतुर रहमान रूसुल कुरान, सूरह रहमान कुरान मजीद की दुल्हन है। जैसे दुल्हन को उसका बनाव सिंगार किया जाता है, उससे जर्क बर्क लिबास पहनाया जाता है, उसको जेवर पहनाए जाते हैं, उसके उस हुस्न जाहिरी को कोशिश की जाती है कि उसको उस वक्त जो है उरूसी के मौके पर उसे उसके नुक्ते कमाल पर पहुंचा दिया जाए, जो भी जतन किए जा सकते हो उसके उसके बनाव सिंगार के वो पूरे कर दिए जाए। तो उरूसुल कुरान का लफ्ज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है, औ कमा काला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सूरह मुबारका के बारे में। और इसी पहलू से इसमें लुगत की मुश्किलात भी बहुत हैं। इस एतबार से मैं कहता हूं कि मुझे काफी हिम्मत करके ये जो है आगाज कर रहा हूं मैं, वरना मैं वाकईतन अपने दिल में एक खौफ महसूस करता हूं कि मैं इसकी जो लुगत की पेचीदगियां हैं और मुश्किलात हैं उनको हल करने की सलाहियत नहीं रखता। इसमें मैं अपना ज्यादातर दारोमदार रखूंगा मुहक्कीकीन की आरा पर, जिन्होंने इस पर बहसें की हैं, उनसे जो चीज मुझे यानी ज्यादा दिल को लगी है और इसके एक नज्म में और इसके सिलसिला कलाम में जो चीज ज्यादा जुड़ती हुई महसूस होती है
ज्यादा उसके मुनासिब महसूस होती है उसका इंतखाब। मैं इसमें यह दावा नहीं कर सकता कि उसके जिम्न में मेरी कुछ ज़ाती तहकीकात है। अर रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। इन चार आयात पर मैंने मुतअद्दिद मर्तबा तकरीरें की हैं, उनके कैसेट्स भी मौजूद होंगे, लेकिन यह कि बहरहाल इस वक्त चूंकि अब सिलसिलेवार दर्स हो रहा है तो इजमालन मुझे वो बातें बयान करनी है। पहले तो लफ्जन हम बहस कर लें कि अर रहमान ये अल्लाह का दूसरा अहम तरीन नाम है। पहला अहम तरीन नाम अल्लाह है, जिसके बारे में एक राय यह है कि वो इसमें जात है और इसमें जामिद है, इसमें अलम है। अलम जो होता है अलामत प्रॉपर नाउन, उसका कोई इश्तिकाक नहीं हुआ करता कि ये कहां से निकला है, क्या बना है, कौन सा बदन है, इसकी तरकीब क्या है, लाहौर कहां से निकला है, पता नहीं लाहौर लाहौर है, इसका कोई इश्तिकाक नहीं है, इसकी कोई जो है रूट कहीं तलाश नहीं की जाएगी, इसका सहरफी मादे की बहस नहीं की जाएगी, इसमें अलम है। तो अलम कहा है बहुत से हजरात ने, बिलखसूस हमारे यहां जो मुतसव्विफाना मिजाज के हजरात हैं उनका रुझान इसकी तरफ है कि अल्लाह के बकिया तमाम नाम सिफाती हैं, मुश्तक हैं किसी सिफत पर, जो सिफत इसमें नकरा की शक्ल में होगी, अलिफ लाम दाखिल होने से बने। रहीमुन सिफत है, अर रहीम ये अल्लाह का नाम हो गया, रहमान ये सिफत है, अर रहमान ये अल्लाह का नाम हो गया, कादिर ये सिफत है, कादिरुन और अल कादिर अल्लाह का नाम। तो इसी तरीके से बकिया तमाम नामों के बारे में तो कोई इश्तबाह है ही नहीं, इख्तलाफ है ही नहीं कि वो तमाम सिफाती नाम है और सिफात पर अलिफ लाम दाखिल होने से वो अल्लाह का नाम बनते। अलबत्ता अल्लाह के बारे में इख्तलाफ है और ये इख्तलाफ काफी कदीम है, उसमें बड़ी बहसें हैं तवील, इस बहस में जाने का यह मौका नहीं है। मेरी जाती राय उनके साथ है जो अहले नहव कहलाते हैं और उनकी राय यह कि यह लफ्ज भी मुश्तक है, यह भी इलाह पर अलिफ लाम दाखिल होने से बना है। इलाह माबूद, अल इलाह माबूद बरहक, माबूद हकीकी, अल इलाह में वो एक दरमियान का हमजा जो है वो गिर गया है और दो लाम मुदगम हो गए तो अल्लाह बन गया। अहले नहव के पास उसके लिए बड़ी दलीलें हैं कि इस सबसे बड़ी दलील यह है कि इसमें आलम में अगर अलिफ लाम आ जाए, अलिफ आ जाए लाम आ जाए, वो कभी मुदगम नहीं होंगे, वो जू के तू बरकरार रहेंगे। असलम जब इसमें आलम के तौर पर आएगा तो ले असलमा आएगा, ये नहीं आएगा लिसलमा कह दे आप कि बीच में से हमजा जो है हमजा वसल समझ कर उड़ा दे, ये नहीं हो सकता। तो लेकिन अल्लाह के साथ ये मामला नहीं, वहां हमजा हमजा वसल साबित हो रहा है। लिल्लाह, लिल्लाह को अक्सर लोग गलत लिख देते हैं, एक लाम इजाफी डालते हैं फिर वो अल्लाह वाले दोनों नाम लाकर, ये गलत इमला है उसकी। लिल्लाह में तो मुद्गम हो गया और हमजा दरमियान से उड़ गया। इस एतबार से इस पर कानून जो है वो वही जारी है कि जो इसमें मुश्तक पर होता है, इसमें अलम वाला कानून यहां जारी नहीं है। लेकिन बहरहाल ये मैं थोड़ा सा एक जिक्र कर दूं कि शायद इस मुतसव्विफाना अंदाज के हामिल लोगों का ये रुझान कुछ इस वजह से भी हुआ हो, मैं वल्लाहु आलम एक अपना गुमान या कयास कह रहा हूं कि हिंदुओं के यहां उनकी मेडिटेशन जो है उसके लिए एक लफ्ज ओम को उन्होंने बड़ा मरकजी ऑब्जेक्ट बनाया है। ओम वो फिर उसको सामने रखकर उस पर तवज्जो मुर्तकिस करते हैं। यही अहमियत हमारे यहां जब ये तमाम तरीके उन हजरात से मुस्तार लेकर हमारे यहां भी उस मैदान में आए हैं तो उन्हें भी एक जरूरत थी इसी तरह के लफ्ज की, उन्होंने इसी तरह अल्लाह और बड़े आपको नक्श मिल जाएंगे और मुख्तलिफ सलासिल में उस अल्लाह के लफ्ज को ऐसे लिखो और इस तरह तसव्वुर करो कि वो तुम अपने दिल पर लिख रहे हो। ये इस तरह की तमाम बहसें मैं किसी इस्तेहज़ा के अंदाज में नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि एक मुशाबहत है जो मुझे महसूस हुई और शायद इसी वजह से इस लफ्ज की जो है एक इम्तियाजी शान कायम करने की कोशिश की गई है। वरना मेरे नजदीक तो मेरे जौक से जो ज्यादा करीब तर बात है वो तो सिर्फ ये काफी है कि अल्लाह की जात हमारे तसव्वुर हमारे वहम हमारे तखय्युल से वराउल वरा सुम्मा वराउल वरा सुम्मा वराउल वरा, लिहाजा उसका इसमें जात भी कोई मुमकिन है ही नहीं। हम अल्लाह को जानते हैं उसकी सिफात के हवाले से, सिफात ही फिर उसके असमा बन जाते हैं जब अलिफ लाम बन जाए।
हमारा जो ईमान मुजमल के जो अल्फाज हैं वो भी उसी पर दलालत करते हैं कि आमंतु बिल्लाह कमा हुआ बि अस्माही व सिफातिही। इसकी बहस में बड़ी तफसील से बारहा कर चुका हूं कि कुल मारिफत रब जो है जो हमारे लिए मुमकिन है विद इन अवर रीच जो है वो अस्मा व सिफात के हवाले से, उसमें भी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट उसका हमारी गिरफ्त में आ सकता है, क्वांटिटेटिव नहीं आ सकता। अल्लाह कदीर है, कितना कदीर है हम कहां समझेंगे कितना कदीर है, हमारा जहन इतना सा सुनार किसी तराजू लेकर हम बैठे हुए हो, माशे तोले के बाट हमारे पास, उसमें टनों को कैसे तोलेंगे, नामुमकिन है। अल्लाह की इन सिफात का भी सिर्फ ये कि हम एक अंदाजा कर सकते हैं काबिर है, लेकिन कितना काबिर है इसका कोई तस्वुर मुमकिन ही नहीं। इसीलिए हमारे पास जो जाय पना है वो लफ्ज कुल है, कुल शाइन आलिम, बस कुल के लफ्ज में पना हम लेते हैं क्वांटिटी के एतबार से, उसके वसत और हजम के एतबार से, इसके सिवा हमारे पास कोई और चारा कारी नहीं, और कुल मारिफत रब्बानी हमारी बस यही तक महदूद है, इससे आगे हम जा नहीं सकते। तो इसीलिए इसमें जात का कोई खोज लगाने की कोशिश ये भी गोया के उसी कबील की एक शय हो जाएगी जिससे कि हुजूर ने मना भी किया है, और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अली मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु उनके जो जुमले जो हैं, दो जुमले जिन्होंने शेर की शक्ल इख्तियार कर ली है, वो मैं समझता हूं कि इसमें हर्फ आखिर है। तो हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु का कौल ये है, अल इज्जु अंदर की जात इदराकू, अल्लाह की जात के इदराक से आजिज आ जाना ही इदराक है। मालूमम शुद के हीच मालूम न शुद, ये मालूम हो जाए कि मुझे कुछ मालूम नहीं, बस यही कुल इल्म है जो यहां हासिल हो सकता है, इस मैदान में इसके सिवा और आपकी रसाई कहीं। हजरत अली ने इस पर गिरा लगाई है, वल बहसु अन कुन ही जात इशराकू, अल्लाह की जात में खोद कुरेद करोगे तो शिर्क के रस्ते पर पड़ जाओ, तुम अपने जहन में कोई ना कोई खुदा तराश लोगे, कोई ना कोई तसव्वुर करोगे, कोई तखय्युल तुम्हारा जो है घड़ लेगा, मी तराशत फिक्र मां हरदम खुदा वंदे दिगर, और ये तुम्हारा अपने जहन का तराशीदा खुदा होगा, खुदा तो नहीं है वो, मालूम हुआ जो तुमने नक्शा बनाया तुमने शिर्क की बुनियाद जो है कायम कर दी। तो वल बहसु अन कुन हिज्जात इशराकू, तो मेरा चूंकि जौक यही है लिहाजा मैं इसमें जात की बहस में नहीं पड़ता, मेरी राय यही है कि अल्लाह का के तमाम अस्मा इसमें सिफात है, सिफाती नाम है, लेकिन अहम तरीन हम क्यों कहते हैं अल्लाह को, मारूफ तरीन है, कदीम जमाने से चला आ रहा है, इब्रानी में भी लफ्ज ईल इसी मानी में था, फिर यह के ला हुम्मा और अल्लाह हुम्मा के अल्फाज अरब के अंदर आम थे, सबसे ज्यादा अल्लाह का लफ्ज जो है उनके यहां मारूफ था। कुरान मजीद बार बार कहता है कि नबी अगर आप इनसे पूछेंगे मन खलक समावात वल्अर्द यकूलून अल्लाह, फौरन पुकार उठेंगे बिला किसी झिझक के अल्लाह ने पैदा किया। तो अल्लाह उनका मारूफ तरीन नाम था, रहमान पर उन्हें कुछ इश्तबाह हुआ था, उससे बाज हजरात की राय तो यह बनी है कि शायद रहमान का लफ्ज उनके यहां मारूफ ही नहीं था, मेरी राय यह नहीं है, इसलिए कि आपको यह नाम जो है लोगों के मिल जाते अब्दुलरहमान, अब्दुलरहमान इब्ने औफ नाम तो उनके वालिदैन का रखा हुआ है, दौरे जाहिलियत से चला आ रहा है, हजरत अबू बकर के बेटे अब्दुलरहमान इब्ने अबी बकर जो कि गज़वा बदर तक पहुंच गए हैं कुफार के साथ ही, तो यकीनन रहमान का लफ्ज अरब में मारूफ था, लेकिन ऐसे महसूस होता है कि या तो यह है कि वो ज्यादा कुछ ज्यादा उनके यहां जो लोग मुहज्जब थे और तालीम याफ्ता थे जिनकी कुछ लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस बलंतर थी वो इस नाम से वाकिफ थे और इस नाम को पहचानते थे और जानते थे, या ये हो सकता है कि ये कुछ घरानों और कबीलों का मखसूस नाम हो, पूरे अरब के अंदर उसे यूनिवर्सल जो है मकबूलियत हासिल ना हो, इसीलिए ये सूरह फुरकान में आया है कि पूछते रहमान कौन है और क्यों हम रहमान को क्यों सजदा करें, और सूरह बनी इसराइल में आया है कि कुलिदुल्लाह अबिदुर रहमान अय्यम्मा तदू फलहुल अस्माउल हुस्ना, वहां भी मालूम होता है कि मद्दे मुकाबिल अगर किसी दर्जे में अल्लाह के नाम के साथ कोई दूसरा नाम आता है तो वो रहमान ही है। इसी का हमें सबूत मिलता है कि कुरान मजीद में भी सूरह फातिहा में भी अल्लाह के लफ्ज के साथ फिर फौरन मुत्तसिल रहमान का लफ्ज आया है, बिस्मिल्लाह आयत जो है चाहे वो सूरह नमल में दरमियान में आई है, इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, तो अल्लाह के साथ मुत्तसिल जो नाम है वो वहां पर रहमान ही है, और फिर यह कि कुरान मजीद में 113 मरतबा सूरतों के शुरू में दर्ज है, उसमें इख्तलाफ है कि आया उन्हें शुमार किया जाएगा हर मरतबा कुरान की सूरत या नहीं किया जाएगा, लेकिन मुसहफ में तो रिपीट हुआ है। इस एतबार से अल्लाह के जुमला नामों में अहम तरीन नुमाया तरीन नाम दो ही हुए,
अल्लाह और रहमान। इस सूरह मुबारक का आगाज हो रहा है अर रहमान से। इसमें एक राय तो यह है कि ये खबर है, मुब्तदा यहां पर महजूफ है, हुवर रहमान। और दूसरी राय जो मेरे नजदीक ज्यादा करीब कयास है, अर रहमान ये दर हकीकत मुब्तदा समझिए इसे या फाइल समझिए। अल्लमल कुरान, उसने कुरान सिखाया। जुमला मुकम्मल जो होगा इन दो आयतों पर मुश्तमिल होगा, अर रहमान अल्लमल कुरान, रहमान मुब्तदा, अल्लमल कुरान उसकी खबर है। अब यहां खास तौर पर जो चीज बयान करने की है, समझने की है, वो रहमान का मफहूम है और रहीम के साथ उसकी क्या निस्बत है। ये हमारे मुफस्सरीन के कि महबूब मसाइल में से है, जिन पर हर एक ने अपने अपने ज़ौक के मुताबिक उसकी कोई ना कोई तौजीह बयान की है। इसलिए कि अल्लाह के नामों में से ये दो नाम ऐसे हैं कि जो एक ही मादे से मुश्तक है। रहमत ही मादा है रहमान का भी और रहीम का भी। एक ही मादे से दो नामों का मुश्तक होना अव्वल तो दलालत करता है कि सबकत रहमती अला गज़बी। मालूम हुआ कि अल्लाह की सिफात में रहमत की सिफत जो है गालिब है उसकी दूसरी सिफात पर। यह नुमाया तरीन वस्फ है अल्लाह ताला का, यह अहम तरीन सिफत है अल्लाह ताला की। लेकिन इनमें यह कि फर्क क्या है, इसमें एक राय जिस पर के हमारे अक्सर मुफस्सरीन जो है वो तकरीबन मालूम होता है कि उनका इजमा है, वो रहमान को दुनिया के साथ मुताल्लिक करते हैं और रहीम को आखरत के साथ। रहमानु दुनिया व रहीमुल आखिर। वजह क्या है? वजह वही है जो मैं बाद में बयान करूंगा उस राय के जिम्न में कि जो मुझे बेहतर मालूम हुई और जिसे मैं कबूल करता हूं। और वो ये है कि मौलाना अमीन असर इस्लाही साहब की ये तशरीह है कि फालान के वजन पर जो सिफात आती हैं उनमें उस सिफत की एक हैजानी और तूफानी कैफियत, वो कैफियत मुश्तइल है, तूफानी अंदाज की। अना जुआन, मालूम होगा कि मैं भूख से मरा जा रहा। भूख की शिद्दत यह है कि जिसको अक्षान, कि जो प्यास से मरा जा रहा। एक तो ये प्यास लगी हुई है लेकिन आप झेल रहे, एहसास आता है होना चाहिए था पानी नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। एक ये है कि अब उस आखिरी दर्जे को वो प्यास पहुंच गई है कि अब नाकाबिले बर्दाश्त हो रही है, अक्षान। इसी तरह गजबान, हजरत मूसा के लिए लफ्ज आया है, राजा इलाकों में ही गजबान आसिफा, इंतहाई गजबनाक होकर जब उन्हें यह मालूम हुआ कि मेरी कौम जो है वो तो बछड़े की परस्तिश में मुबतला हो गई है। तो जलाली शान तो हजरत मूसा की थी, उनका मिजाज जलाली था, तो जो गजबनाकी की जो सूरत हाल उस वक्त होगी उसके लिए लफ्ज गजबान आया है। अच्छा, ये अल्फाज जो है तूफान और हैजान, ये भी दर हकीकत इसी वजन पर है और इसी मफहूम को लेकर, हैजानी कैफियत। ये हैजान जो है तो अल्लाह ताला की सिफत रहमत की एक शान, जिसके लिए तशबीह जो है अगर मादी आलम से हम लेंगे जैसे समंदर ठाठे मारता हुआ समंदर, ये है एक कैफियत अल्लाह की सिफत रहमत की जो लफ्ज रहमान में सामने आती है। फ़ईल के बदन पर जो सिफात आती है उसमें दवाम होता है, पायदारी होती है, इस्तकलाल, मुस्तकिल। ये लफ्ज जो आएगा रहीम, तो इसमें उस रहमत का दवाम, उस रहमत का तसलसल है, उसका बाकी रहना है। चूंकि दुनिया आर्जी शह है लिहाजा उसके साथ सिफत रहमान को हमारे मुफस्सरीन ने जो है ज्यादा मुनासिब समझा। और आखिरत है दाइम व कायम, हमेशा रहने वाली, लिहाजा उसके साथ उस मुनासबत से लफ्ज रहीम जो है वो उन्हें ज्यादा मौजू नजर आया। तो बुनियाद तो वही है कि फालान के बदन पर उसकी क्या कैफियत होगी और रही फईल के बदल पर क्या कैफियत होगी, उसके साथ दुनिया और आखिरत का तकाबुल करके उन्होंने उसके साथ मुंसलिक किया है। लेकिन यह कि जो राय मुझे ज्यादा मुनासिब मालूम हुई है, मेरे दिल को जिसने अपील किया, वो ये कि ये दोनों कैफियत या ये दोनों अल्लाह ताला की सिफात ज़ात खुदाबंदी में बयक वक्त मौजूद है। इनमें जमानी फसल और मौत जो है वो किसी दर्जे में भी करीने कबूल नहीं है, काबिल कबूल नहीं है। यही मैं सूरह हदीद के दर्स के सिलसिले में बारह बयान कर चुका हूं कि सिर्फ एक मकाम है कुरान मजीद में जहां उसके असमाओ सिफात को हरफ वाओ वाव अतफ के साथ अलहदा किया गया, अव्वलो वल आखिरो वल जाहिरो वल बात। बाकी हर जगह आप देखेंगे कि वहां कोई अतफ नहीं आएगा, आठ आठ असमा आ गए हैं,
الجبار المتکبر, आठ अस्मा आ रहे हैं, कहीं हर्फ वाव नहीं है, और उसकी लिम यही है, उसका सबब यही है कि अल्लाह ताला की जुमला शान है और उसकी जुमला सिफात उसकी जात में बयक वक्त मौजूद, चाहे हमें मुतजाद नजर आ रही, वो अल मुइज भी है अल मुजिल भी है, लेकिन बयक वक्त है इनके अंदर, कहीं भी इन शानों में और इन सिफात के अंदर, वो अल गौर भी है अल नाफे भी है अल राफे भी है अल खाफिज भी है, लेकिन ये तमाम अस्मा और सिफात उसकी जात में बयक वक्त मौजूद है। लिहाजा बयान में भी हर्फ अतफ का फसल जो है वो मुनासिब नहीं, एक ही इस्तिस्ना है, वो सूरह हदीद के अंदर मैं बयान बहुत मरतबा कर चुका हूं, अब आगे आएंगे तो वहां दोबारा उसको दोहरा दूंगा, इस वक्त नहीं कर रहा हूं। तो इसी तरीके से रहमान और रहीम, ये भी कुरान मजीद में जहां बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कहीं इसमें कोई फसल नहीं है, कोई हर्फ अतफ नहीं, लिहाजा ये दोनों कैफियात अल्लाह की जात में बयक वक्त बहाने वाहिद मौजूद। अलबत्ता इनके आपस के ताल्लुक और नस्बत को एक मिसाल जो मेरे जहन में आई, मैंने बारहा उसे बयान किया, इस वक्त दोहरा रहा हूं, मैं समझता हूं शायद उसके हवाले से सबसे ज्यादा आसानी से और सबसे ज्यादा जामियत के साथ हम समझ सके। मैं मिसाल दिया करता हूं कि फर्ज कीजिए कोई रोड एक्सीडेंट हुआ है, कोई बस है एक्सीडेंट हुआ है, बहुत से लोग मर गए हैं, आप बाद में पहुंचे हैं ऑन द सीन, उस मंजर पर आप पहुंचे, कहीं किसी ने देखा कि कोई मां जो फौत हो चुकी है उसका शीरखार बच्चा उसकी छाती से चिमटा हुआ है, यह कैफियत देखकर मुमकिन नहीं है कि कोई इंसान जो है उसके अंदर जज्बात के अंदर एक तूफान ना आ जाए, अगर वो मर नहीं चुकी उसकी इंसानियत और वो एक दरिंदा नहीं बन चुका है मानन और हकीकतन, तो एक इंसान के अंदर शफकत और रहमत और मोहब्बत और मवद्दत और इल्तिफात और इनइताफ, ये कैफियत इन सबको जमा कर लीजिए, इन अल्फाज को मिली जुली कैफियत ये पैदा होगी, हर शख्स चाहेगा कि इस बच्चे की परवरिश मैं अब अपने जिम्मे ले लूं, ये बच्चा बेयारो मददगार रह गया, दूध पीता बच्चा जिसे ये पता भी नहीं कि मां मर चुकी है और वो उसकी छाती से अभी चिमटा हुआ, तो वो जोश की कैफियत होती है, एक हैजानी कैफियत होती है जिसमें एक इंसान उस बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारी ले लेता है। लेकिन हमारा हाल क्या है, हमारा वह उबाल आर्जी होता है, हो सकता है कि अगर आप ये कर बैठे हो तो चंद दिनों के बाद आप महसूस करें कि क्या मैंने हिमाकत की, मेरी अपनी जिम्मेदारियां कोई कम नहीं थी, पहले ही बच्चे मौजूद थे उनका बोझ बर्दाश्त नहीं हो रहा था, ये मैंने वक्ती एक जोश में आकर वक्ती जज्बे के अंदर आकर अपने बोझ में इजाफा कर, हमारी कैफियत भी होगी इल्ला माशाल्लाह, जिनमें हो सकता है खुदा पन जंगुश यकसा न कर नहर गंद नस्तो नहर मर्द मर्द, लेकिन बाई एंड लार्ज ये कहा जा सकता है कि वो जोश बड़ा जल्दी ठंडा पड़ जाता है और फिर एक दूसरी कैफियत सामने आती है। बस इसकी नफीस कीजिए अल्लाह की जात में, अल्लाह की रहमत हर वक्त हर आन उस हैजानी और तूफानी शान की हामिल भी है और उसमें हर वक्त और हर आन वो पायदारी और दवाम भी है। ये उसकी दोनों शानों को अलहदा अलहदा नुमाया करने के लिए तो दो लफ्ज आ गए, लेकिन उसकी जात में ये दोनों कैफियात बराबर बराबर साइड बाई साइड मौजूद है। चाहे तो यहां इसी सूरह मुबारका के वो अल्फाज अपने ज़हन में टांक लीजिए, मरजल बहरैन यल्तकियान बैनहुमा बरज़खुन ला यबगियान, चलाए उसने दो दरिया बाहम बिल्कुल मिले हुए लेकिन उनके माबैन एक पर्दा हाइल है कि वो एक दूसरे में गड़बड़ नहीं हो रहे। तो बिल्कुल इसी तरह ये दोनों शान अल्लाह की जात में बयक वक्त मौजूद है, मुमताज है, मुमैयज है, दोनों की कैफियत जुदा है लेकिन उनमें कोई जमानी फसल नहीं है बल्कि वो बआने वाहिद मौजूद है। अर्रहमान अल्लम अल कुरान, मैं अर्ज कर चुका हूं मेरे नजदीक तरकीब नहवी यही सही है कि ये मुब्तदा है और खबर है अल्लम अल कुरान, तो जुमला दो आयतों को मिलाकर बना अर्रहमान, रहमान ने कुरान सिखाया। अब जरा नोट कीजिए, अल्लमा के बाद दो मफूल जो ये लफ्ज, ये उन अफाल में से है कि जो दो मफूल चाहता, किसको सिखाया, जैसे आगे आएगा अल्लामा हुल बयान, उसने उसे बयान सिखाया, एक वो है कि जिसे बयान की सलाहियत दी गई सिखाई गई और एक बयान है जो जो एक वसफ है जो उसको अता किया गया। यहां पर इजमाल बरता गया अल्लमल कुरान और सुकूत इख्तियार किया गया किसे सिखाया, इस सुकूत में एक बलागत है। जब आप कहते हैं फला शख्स फला को खाना खिलाता है, गरीबों को खाना खिलाता है, तो उसमें भी एक महदूदियत, जब आप कहते हैं वो खाना खिलाने वाला है
वो खाना खिलाता है। अब किसके अंदर जो वसत है, जो इस इतलाक की शान उसके अंदर आती है, जो उसमें वसत है, उसकी फसाहत और बलागत, मालूम यह हुआ कि उस कैफियत को यहां पर नुमाया किया गया। वैसे अगर आप इसको गिनना चाहेंगे तो सबसे पहले मुअल्लम कुरान के, मुअल्लम तो अल्लाह हुआ, लेकिन सबसे पहला मुअल्लम कौन है? हजरत जिब्राइल। अल्लाह से तलक्की की है हजरत जिब्राइल ने। मुअल्लम सानी, दूसरे जो मुअल्लम है जिनको सिखाया गया, ये लफ्ज़ कुरान मजीद में आया है हुजूर के लिए, लेकिन वो हजब के अंदाज में कुफार का कौल, मुअल्लमुन मजनून, ये सिखाए पढ़ाए हुए हैं, कोई इन्हें सिखाता पढ़ाता है, और मजनून है इनका, या तो जिनका साया हो गया है, आसेबजदा हो गए हैं, या ये कि दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं रहा। मैं खुदा ना खास्ता उस मानी में लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर रहा, बल्कि मुअल्लम अव्वल कुरान के हजरत जिब्राइल है, मुअल्लम अल्लाह है, मुअल्लम सानी मोहम्मद रसूलुल्लाह, और उसके बाद हुजूर की उम्मत है, और उम्मत के जरिए से पूरी नौ इंसान। पोटेंशियली हर हर इंसान, हर फर्द नौ बशर जो हुजूर के जमाने के बाद से लेकर ताकयाम कयामत पैदा होगा, वो इसके उमूम में शामिल है। ये दूसरी बात है कि जिम्मेदारी अदा करने में कोताही हो रही हो, वो जिम्मेदारी हजरत जिब्राइल की थी हुजूर को पहुंचा देने की, उन्होंने पहुंचा दिया, बरी हो गए फारिग। हुजूर की जिम्मेदारी थी पहुंचाने की अपनी उम्मत को, उन्होंने पहुंचा दिया और गवाही ले ली हज्जतुल वदा में, अला हल बल्लगतो, और जवाब ले लिया कि इन्ना नशहदु अन्नका कद बल्लगता व दैता व नसहता, हुजूर हम गवाह हैं, आपने पहुंचा दिया, पहुंचाने का हक अदा कर। अब यही काम है जिम्मे, फलयुबल्लिगी शाहिदुल गायबा, जो उसी हज्जतुल वदा में आप पहुंचाएं वो जो यहां है उनको जो यहां नहीं है। ये अब सिलसिला चल रहा है ता कयाम कयामत। जो इसमें जितनी कोताही करेगा उतना ही अल्लाह के यहां मुजरिम होगा, जो इसमें जितनी मेहनत करेगा उतना ही अल्लाह के यहां सुरखुरु हो जाए। तो मुअल्लम जो है वो पूरी नौ इंसानी है, जैसे कि सूरह शूरा में कि लितुनज़िरा उम्मल कुरा व मन हौलहा, उसमें जैसा कि मैंने अर्ज किया था कि मन हौलहा में ये दायरे खींचते चले जाएंगे, एक वो इमीजिएट उसका माहौल भी था, आसपास की के इलाके जिनमें के बद्दू कोई मौजूद हो, फिर उससे आगे बढ़ा, फिर पूरा अरब उसका माहौल, फिर पूरी दुनिया माहौल, इसलिए कि वो तो दायरे हैं कि जो वसी से वसीतर होते चले जा रहे हैं। तो हुजूर का अमल इंजार जो है वो भी इसी तरीके से वसी से वसीतर होता चला जाए। उहिया इलैया हादल कुरान लिउनज़िरकुम बिही व मन बलग, ये कुरान मुझ पर वही किया गया ताकि मैं तुम्हें तो खबरदार कर दूं इसके जरिए से, और जिसे भी ये पहुंच जाए उस तक भी दर हकीकत इंजार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला मुमतद हो गया है। अर रहमान अल्लमल कुरान, इसमें एक खास नुक्ता जो मैं अपनी तकरीरों में बयान करता हूं, मैं बाद में लाऊंगा। खलकल इंसान, उसी ने इंसान को बनाया, इंसान को पैदा फरमाया। अल्लमहुल बयान, और उसे सिखाया गोयाई बयान। बयान का लफ्ज इसी से लफ्ज बयान बना है, तबयीन बना है, वाजे करना। ये इजहार माफिज जमीर, ये इंसान के अंदर जो वस्फ है कि वो अपने ख्यालात को मुरतब करता है, मुश्तबे करता है, फिर मुरतब और मुश्तबे, इसके लिए जो अंग्रेजी का लफ्ज है कंपोज, कंपोजिशन जो शुरू की थी हमने सातवीं आठवीं में, कंपोजिशन कर रहे हैं, वो क्या है? कुछ ख्यालात को, आइडियाज को आप कंपोज करते हैं, उनके दरमियान एक रब्त कायम करते हैं, तरतीब कायम करते हैं। तो इंसान इस अपनी कुव्वत गोयाई में पहले अपने अंदर जो कुछ है उसको वो कंपोज करता है, फिर अल्लाह ने उसे ये सलाहियत दी है कि वो उसे नुत्क की जो गोयाई की जो सलाहियत उसे मिली उसके जरिए से कम्युनिकेट करता है, दूसरों तक पहुंचाता है। अल्लमहुल बयान, उसने सिखाया उसे बयान, उसे गोयाई अता फरमाई। इसमें एक खास नुक्ता जिसकी तरफ मेरा ज़हन मुंतकिल हुआ वो ये है कि इन चार आयतों में एक कदर मुश्तरक ये है कि चोटी की शय है चार मैदानों की जिसका जिक्र हो रहा है। अल्लाह के नामों में अगरचे मैं अर्ज कर चुका हूं कि अहम तरीन, मारूफ तरीन, मशहूर तरीन नाम अल्लाह है, लेकिन महबूब तरीन नाम और हसीन तरीन नाम वो रहमान है, इसलिए कि हमें सबसे ज्यादा हाजत तो उसकी रहमत की है, हम रहमत के मोहताज हैं। वही रहमत मबदा बनी है, मंबा बनी है इस खल्क का। मन न करदम खल्कता सूदे कुनम, बल्कि बर्ताबर खल्क जूदे कुनम, ये अल्लाह की जूद है, उसकी सखा है, उसने अपने खजाना सखावत से हमें ये नेमत वजूद अता फरमाया। तो असल में हम मोहताज हैं रहमत के।
और नोट कीजिए इस बात को कि उसका ताल्लुक कुरान के साथ यूं जुड़ता है कि अल्लाह की रहमानियत का सबसे बड़ा मजहर कुरान है, इसलिए कि कोई नेमत दुनिया की नेमत नहीं है जब तक कि उसके साथ नेमत हिदायत शामिल हो। दौलत नेमत नहीं है, हिदायत भी है तो नेमत है। आप उसे अदाए हुकूक में इस्तेमाल करेंगे, दीन के लिए इस्तेमाल करेंगे, भलाई के कामों में सर्व करेंगे, बहुत बड़ी नेमत है। अगर हिदायत नहीं है, यही दौलत आपको गलत रास्ते पर डालेगी, आप में तकब्बुर पैदा करेगी, आप इसका इजहार करेंगे, नमूदो नुमाइश में खर्च करेंगे, लोगों पर दौस जमाएंगे, इसराफ व तबजीर करेंगे, उससे आगे ऐश और न मालूम अय्याशियों की तरफ ही आपको ले जाएगी, किन किन बुराइयों का रास्ता दिखाएगी। तो मालूम यह हुआ कि दौलत नेमत नहीं है, उसको जो शेय नेमत बनाती है वो नेमत हिदायत है। औलाद नेमत नहीं है, असल हो सकता है वही औलाद सोहाने रूह बन जाए बुढ़ापे में आकर, जब सरकशी इख्तियार करती है औलाद, कहना नहीं मानती और निगलेक्ट करती है बूढ़े वालिदैन को, तो वो क्या नेमत नजर आती है? फिर तो आदमी हसरत से सोचता है कि मैंने अपनी जवानी इन पर गलाई, इन्वेस्ट कर दी अपनी तमाम तवानाइयां और अपनी कुव्वतें और अपनी जिंदगी, आज ये मुझे क्या सिला दे रहे हैं। फिर ये कि हो सकता है कि उसके बाद भी वो उसके अजाब में इजाफे का सबब बनते चले जाए, अगर उसकी अपनी कोताही रही है, उनकी तरबियत के अंदर उसकी कोई कोशिश नहीं हुई उन्हें सही रुख पर परवान चढ़ाने की, तो वही तो उसके अजाब के इजाफे का सबब बनते चले जाएंगे। तो औलाद फी नफ्स ही नेमत नहीं, हां नेमत हिदायत हो तो क्या कहने, वही औलाद है सदका जारिया बनेगी। वो औलाद जैसे शाह वलीउल्लाह देहलवी के चार बेटे, शाह अब्दुल कादिर, शाह अब्दुल अजीज, शाह अब्दुल गनी का मामला जरा कम रहा तो शाह इस्माइल शहीद उनके बेटे, शाह अब्दुल गनी मारूफ नहीं हो सके, वरना यह कि बाकी शाह अब्दुल कादिर, शाह अब्दुल अजीज, शाह रफीउद्दीन, शाह अब्दुल गनी, या जैसे कि शेख अहमद सरहंदी हजरत मुजद्दद अल-फिसानी के चार बेटे, उन्हें भी अल्लाह ने चार बेटे अता फरमाए और चारों जो है उसी रुख पर है, इमाम है अपने इल्म में तसव्वुफ में। तो इससे बड़ी नेमत और कोई नहीं, लेकिन कब, जबकि नेमत हिदायत साथ, किसी पर आप प्रयास करते चले जाए। इक्तदार एक नेमत हो सकती है बशर्ते के नेमत हिदायत को, फिर आदमी फिर हजरत दाऊद और हजरत सुलेमान का किरदार इख्तियार करेगा, और यही इक्तदार जो है खन्नास पैदा करने का मुजीब बन जाएगा। अगर हिदायत नहीं है फिर इंसान फिर वो फिरौन और नमरूद का किरदार इख्तियार करेगा। कोई शय नेमत नहीं जब तक के नेमत हिदायत, और नेमत हिदायत अपनी तमाम और कमाल की सूरत में कुरान मजीद की सूरत में लाए। ये अल हुदा है, सिर्फ हिदायत नहीं, अल हुदा। कुरान मजीद कहीं तो इस लफ्ज को लाकर नकिरा, सूरह मायदा में तौरात इंजील दोनों के लिए फीहे हुदम व नूर, फीहा हुदम व नूर, उसमें हिदायत भी थी नूर भी था, हुदन। और कुरान अल हुदा, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अला दीनि कुल्लिह। ये यहां पर आकर, अगर के हुदन का लफ्ज भी आया है उसमें नकिरा तफ़सीम के लिए हम लेंगे, जैसे कि सूरह बकरा में आया है जहां रोजे का और रमजान का बयान है, शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा, अब यहां फिर अल हुदा वल फुरक़ान। तो ये है असल में वो बात कुरान मजीद में सबसे ज्यादा इस लफ्ज के लिए, कुरान मजीद के लिए और आसमानी किताबों के लिए बिलुमूम, हिदायत और रहमत, हिदायत और रहमत, हिदायत और रहमत। और किस एतबार से सूरह यूनुस की दो आयतें, वो जो है मैं उनका इस वक्त तस्करा कर देना चाहता हूं, ज़हन मुंतकिल हो जाना चाहिए। या अय्युहन नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फिस्सुदूर व हुदन व रहमतुल लिल मोमिनीन क़ुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। लोगो, तुम्हारे पास आ गई है तुम्हारे रब की तरफ से नसीहत भी, मौइज़ा मौइज़तुन, और शिफा भी है तुम्हारे लिए, और उसके साथ हिदायत भी है और रहमत भी है अहले ईमान के हक में। और उसके बाद जो अल्फाज आए, कह दीजिए इस कुरान के नुज़ूल का अल्लाह ताला की शानों में से कौन सी शान जो है इसकी असास बनी है, कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही, या अल्लाह का फजल है, यह उसकी रहमत है जिसका ज़हूर हो रहा है, इसमें इस्तेहकाक का पहलू नहीं है। अब ये फिर एक और बहुत अहम फलसफे दीन के एक बहुत अहम इशू के साथ ये बात जो है मुतालिक है,
کہ در حقیقت انسان کی مسئولیت جو ہے وہ ان صلاحیتوں کی بنیاد پر ہے جو اللہ نے انسان کے اندر ولیت کر کے اسے یہاں بھیجا ہے. فجعلناہ سمیعاً بصیراً، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلی فجعلناہ سمیعاً بصیراً، ہم نے آزمانوں کے لیے پیدا کیا انسان کو، جانچنے اور پرکھنے کے لیے دنیا کی زندگی دی ہے، تو ہم نے اسے سمیع اور بصیر بنایا ہے، سماعت اور بصارت ہے، اسے عقل کی قوت دی ہے، اس میں حس رکھ دی ہے نیکی اور بدی کے امتیاز کی. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور ایک اور چیز یہ ذرا خفی شے ہے، اس کے دل میں معرفت، اپنی معرفت بدیت کر کے بھیجا ہے. انسان مسئول ہے قیامت کے دن ان باتوں کی بنیاد. یہ مزید فضل ہے اللہ کا، یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے کتابیں نازل فرمائیں، اس نے وحی نازل فرمائی، اس نے نبیوں کو بھیجا، اس نے رسولوں کو بھیجا. یہ در حقیقت اللہ کا فضل ہے اور اس کی رحمت. یہی وجہ ہے کہ نبوت کے لیے یہ لفظ رحمت بہت کثرت سے آیا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ رحمت اپنے مقام کمال کو پہنچی ہے تو رحمت للعالمین، یہ ہے آپ کی وہ نمایاں ترین حیثیت کہ یہاں وہ رحمت خداوندی جو ہے اپنے نقطۂ عروج کو پہنچ گئی. تو یہاں بھی فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا، جسے بھی سکھایا. دیکھیے اس کو بھی نوٹ کیجئے، ہم یہ جانتے ہیں کہ سلسلہ اسباب کتنا ہی طویل ہو، کسی سورج نے اپنی تمازت سے فصل کو پکایا ہو، بارش نے اسے سینچا ہو، ہواؤں نے اس کو تقویت دی ہو، کسان کا خون پسینہ لگا ہو، پھر اس کو کاٹا گیا ہو، لایا گیا ہو، پھر پیسا گیا ہو، روٹی پکائی گئی ہو، تب ایک لقمہ ہم تک پہنچا. تمام عناصر طبیعی لگے ہوئے ہیں اس کام کے اندر، وہ ایک دانہ جو بن رہا ہے، نہ معلوم کیا کیا قوتیں ہیں، کیا کیا وسائل ہیں، کیا کیا ذرائع ہیں، لیکن رازق کون ہے؟ اللہ. یہ ایک چھلانگ میں در حقیقت تمام کڑیاں جو ہیں سلسلے اسباب کی، ان کو پھلانگ کر مسبب الاسباب تک پہنچ جانا، یہی توحید ہے. جو درمیان میں کہیں الجھ گیا وہی شرک کے پھندے میں پھنس گیا، کسی نے سورج کے آگے ہاتھ جوڑ دیے، سر جھکا دیا. یہ بھی ان کی ایک معرفت تھی کہ سورج ہی سے کام چل رہا تھا، اسی سے روشنی ملتی ہے، اسی سے تمازت ہے جس سے فصل پکتی ہے، کسی نے پانی کو جل دیوتا قرار دے دیا. یہ تمام چیزیں کچھ جہالت پر عثمانی میں مبنی نہیں تھی، وہ جانتے تھے، لیکن یہ کہ کیا الجھ گئے، درمیان میں رہ گئے. گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دلے وجود، اور گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں. درمیانی کڑیوں میں کہیں الجھ جانا ہی شرک ہے، اور ایک ہی جست میں پھلانگ جانا اور مسبب الاسباب تک پہنچ جانا یہ توحید. تو یہ جان لیجئے، جسے بھی کوئی ایک حرف علم قرآن کا ملا ہے، وہ جان لے کہ اسے اللہ نے سکھایا ہے، معلم حقیقی قرآن کا اللہ ہے. چاہے سلسلہ بڑا طویل ہے، معلم اول حضرت جبرائیل ہے، معلم ثانی محمد الرسول اللہ ہے، پھر تیسرے درجے میں صحابہ کرام ہیں، پھر نسلا بعد نسل یہ زبان سے بھی منتقل ہو رہا ہے، قراء ہیں، ائمہ قراءت ہیں، پھر اس میں جو کوششیں ہوئی ہیں مصحف کی کو جمع کرنا ہے، یہ ساری کوششیں، ان سب کا احسان ہم پر آئے گا. پھر جس شخص نے ہمیں بچپن میں الف با تا سکھایا، اور نورانی قاعدہ جس سے پڑھا، وہ بھی ہمارا معلم ہے. پھر اس جس کے ذریعے سے بھی ہمیں قرآن مجید کے معارف و حقائق اور معانی تک رسائی حاصل ہوئی، وہ بھی ہمارے معلم ہیں. لیکن معلم حقیقی اللہ، الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا، اور رحمان کی رحمانیت کا مظہر اتم قرآن. یوں تو اس کے مظاہر بے شمار ہیں، لیکن سب سے اہم، سب سے بڑا، سب سے نمایاں، سب سے کامل مظہر رحمت خداوندی کا، بلکہ رحمانیت خداوندی کا، وہ قرآن. اب آپ نوٹ کیجئے، الرحمن میں نے عرض کیا تھا اللہ کے ناموں میں سب سے پیارا اور محبوب نام، چوٹی پر چلتی ہے. علم القرآن، اس نے قرآن سکھایا. سوال یہ کہ بقیہ علوم کس نے سکھایا؟ جو علم بھی ہمیں حاصل ہوتا ہے اس کا مبدا اللہ کی ذات ہے، وہ مادی علوم ہو، سائنٹیفک نالج ہو، تجرباتی علوم ہو، عقلی علوم ہو، سب علوم کس نے سکھائے؟ اللہ نے سکھائے. سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع میں ان علوم کے دو مختلف کھاتے معین کر دیے گئے. ایک شروع میں ذکر ہے، علم آدم الاسماء کلہا، سکھا دیے آدم کو نام کل کے کل. در حقیقت یہ سارا تجرباتی اور مادی علوم کا جتنا بھی سرمایہ ہے،
یہ اسی علم الاسماء کا ظہور ہے. جیسے آم کی گٹھلی میں پورا آم کا درخت مضمر ہوتا ہے، وقت لگتا ہے، وہ ایک پودا بنتا ہے، پھر وہ جوان ہوتا ہے، پختگی کو پہنچتا ہے، اسے پورا درخت بننے میں کئی سال لگ جائیں گے، لیکن درخت تو گٹھلی میں موجود ہے نا. پوٹینشلی بالقوہ یہ کل علم حضرت آدم کے اندر ودیت کر دیا گیا. یہ اس علم کا ظہور ہے جو ان 8,000 یا 10,000 برسوں میں ہوا، یہ میرا اندازہ ہے. حضرت آدم کی کا زمانہ جو ہے زیادہ سے زیادہ 10,000 اور لگ بھگ 8,000 کا برس کا زمانہ ہے آج سے پہلے. 8,000 برس میں جو یہ ایکسفولیشن ہوئی ہے، یہ در حقیقت وہی بند کلی کھل رہی ہے، وہی بیج ہے جس کا کہ ظہور اس شجر کی صورت میں ہوا ہے، اور نہ معلوم ابھی کہاں تک ہوگا. تو مبدا اور منبع تو وہی اللہ کی ذات ہے، علم کہاں سے آئے گا؟ لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. علم ہی یعنی علم بالکلیہ اللہ کی ملکیت ہے، شے اسی کی ہے. ہاں وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس میں سے جتنا علم چاہتا عطا کر دیتا ہے. تو علوم مادی ہو یا عقلی، اور اسی طریقے سے وحی، وحی کا تو مبدا ہے اللہ کی ذات. سورہ بقرہ کے 4th رکوع میں آخر میں اس کو بیان فرمایا، فَإِمَّا يَاتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. بس یوں سمجھ لیجئے یہی وہ العلم علمان، ایک علم مادی ہے، تجرباتی علوم ہے جو انسان نے سیکھے ہیں، یہ اس علم آدم الاسماء کا ظہور ہے. اور ایک علم وحی ہے، علم الابدان و علم الادیان، ایک علم وحی ہے جو فرشتے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو بھیجتا رہا ہے، اور جو اب کامل ترین شکل میں ہمارے پاس قرآن کی صورت میں ہے. تو دونوں علوم تو اللہ نے سکھائے، جسے جو کچھ علم ملا اللہ نے. لیکن اب نوٹ کیجئے نتیجہ کیا نکلا، تمام علوم میں چوٹی کا علم قرآن. جیسے اللہ کے تمام اسماء میں سب سے پیارا نام رحمان ہے، اسی طرح تمام علوم میں، کتنے بھی علوم ہو، مادی علوم ہو، عقلی علوم ہو، تمدنی علوم ہو، وہ سائیکالوجی ہو، وہ فلسفہ ہو، وہ منطق ہو، وہ جیوگرافی ہو، وہ ہسٹری ہو، جتنے بھی علوم گنتے چلے جائیے. اب تو خیر ہر علم کی اتنی شاخیں ہو گئی ہیں کہ میں لاکھ زور لگاؤں میں ان کا اس وقت نام بھی آپ کو نہیں بتا سکتا، اکثر و بیشتر خود میرے حیطہ علم کے اندر موجود نہیں ہے. تمام علوم لیکن ان میں چوٹی کا علم علم قرآن ہے. اب آگے چلیے، خلق الانسان. عام حالت میں آپ دیکھیے تو ایک سمپل سٹیٹمنٹ ہے، اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے انسان کو پیدا کیا. لیکن اب ذرا اس کا مفہوم مخالف لیجئے تو کیا دوسری جو مخلوقات ہیں اسے کسی اور نے پیدا کیا؟ جواب تو نفی میں آئے گا. آسمان کس نے بنائے؟ زمین کس نے پیدا کی؟ فرشتے کس نے تخلیق فرمائے؟ جنوں کا خالق کون ہے؟ ان حیوانات کا، نباتات کا، ان سب کا خالق کون ہے؟ شجر و حجر کس نے خلق کیے؟ مخلوقات میں چوٹی کی مخلوق انسان. یہی وہ چیز ہے جس تک کہ سائنس بھی بہرحال پہنچی ہے، چاہے درمیان میں اس کی جو درمیانی کڑیاں ہیں ان سے آپ اتفاق کریں، اختلاف کریں، اس میں گمراہی ہو، اس میں جو بھی کچھ ہو، لیکن یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ جمادات سے اوپر نباتات، نباتات سے اوپر حیوانات، اور حیوانات میں ایوولوشن ٹری کے ٹاپ پر کھڑا ہوا ہے ہومو سیپینس انسان. یہ بایولوجیکل نیم ہے انسان کا، دی ہومو سیپینس ٹاپ پر ہے. تو یہ سب سے اعلیٰ مخلوق ہے کہ نہیں؟ باقی یہ کہ قرآن مجید میں جیسے جیسے مدہ آئی ہے اس کے مختلف اسلوب اختیار کیے گئے کہ جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، خلقت بیدی، کہیں یہ قرآن مجید میں نہیں ہے لیکن حدیث مبارکہ میں یہ مضمون موجود ہے اور تورات میں موجود ہے. And God created man in his own image. خلق اللہ آدم علی صورتہ، یہ الفاظ موجود حدیث میں موجود ہے، حدیث سے صحیح ہے، مسلم شریف کی روایت. تو یہ جو عظمت ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. اب یہ آیت کو بھی ذہن میں لے آئیے. صوفیہ نے انسان کو عالم اصغر کہا، پوری کائنات ان منیچر اس انسان کے وجود کے اندر موجود. اور اگر روح ربانی جو اس میں پھونکی گئی ہے کوئی شخص اس کی عظمت سے ذرا سا بھی واقف ہو جائے تو وہاں تو معاملہ یہی ہے کہ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. تو یوں سمجھئے کہ اللہ کی
कुदरत खल्लाकी का मजहर अतम, मजहर कामिल, जामे तरीन मजहर वो इंसान, क्लाइमेक्स ऑफ क्रिएशन, अल्लाह की क्रिएटिव पोटेंशियल का सबसे ज्यादा जामे और कामिल जहूर वो इंसान किसी। तो यहां भी वो चोटी की बात आई। अब चौथी आयत पर आइए, अल्लमहुल बयान, उसे सिखाया बयान। तो बाकी जो औसाफ इंसान में वो क्या किसी और में अता किए, वही मफहूम मुखालिफ। समाअत किसने दी, बसारत किसने दी, ये सारे औसाफ भी तो हैं। चलना किसने सिखाया, बैठना किसने सिखाया, हाथ से काम लेना किसने सिखाया, ये सब भी तो उसी के किए हुए। आप अगर गिनने लगे जो जो वस उसने रख दिए हैं आपके अंदर जाहिरी और बातनी, वही आयत यहां भी सादिक आएगी कि इन तअद्दू नेमत अल्लाह ला तुहसूहा, तुम उसका एहसान नहीं कर सकते। इसमें चोटी का वस्फ है कुव्वत बयान। ये बात जो है ये अक्सर लोगों के जहन में नहीं होगी, उसे अच्छी तरह समझ लीजिए। चोटी का यही वजह है फलासफा ने, अरस्तू ने इंसान को हैवान नातिक करार दिया। मां बेहिल इम्तियाज शय क्या है हैवानात में और इंसान में, नुत गोया है, यही है उसका टॉप का वस्फ, यही है जो उसे मुमताज करता है, मुमैस करता है। अच्छा मैं आपसे अर्ज कर दूं कि मुझ पर यह चीज ज्यादा इसलिए रोशन है कि मैंने बहरहाल वो जो भी तालीम हासिल की थी मेडिकल एजुकेशन, उसमें फिजियोलॉजी पढ़ी। अब ये तो हर शख्स मानता है कि जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट इवॉल्व जो ऑर्गन है इंसानी जिस्म का वो ब्रेन है, वरना बाकी जिस्मानी कुवाते दूसरे हैवानात के हमसे कहीं बढ़कर है। बीनाई हैवानात में हमसे हजार गुना ज्यादा होती है। ऐसे हैवानात भी हैं जो तारीकी में देखते हैं, हम तो मोहताज हैं कि रोशनी हो तो देख सकते हैं, हमारी वरना हमारी आंख बेकार। ये जो शिकारी परिंदे हैं ये बड़ी ऊंचाई से जमीन पर पड़ी हुई सुई को देखते हैं, हमारी तो बहुत ही रसाई कम है इस बिनाई की। हमने आलात ईजाद कर लिए, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, जिससे कि हमने इजाफी अपना दायरा बढ़ा लिया है विजन का, लेकिन ये कि खुद ये आंख जो है इंसानी आंख, वो तो हैवानात की आंखों के मुकाबले में कुछ भी। कुव्वत शाम्मा हमारी हजार वाह हिस्सा भी नहीं है हैवानात के कुव्वत शाम्मा का। इतनी मालूमात वो हासिल करते हैं सिर्फ सूंघ कर, जिसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते। कुव्वत लामसा उनकी बहुत ज्यादा। तो ये सारी सलाहियतें उनमें हमसे कहीं ज्यादा। सुनने की सलाहियत, इंसान को अभी आहट आई नहीं होती कि घोड़े के कान खड़े हो जाते, वो न मालूम कहां से वो आवाज कैच करता है और खतरा महसूस करके उसके कान खड़े हो जाते हैं, और उसका सवार जो है उसके कानों की हरकत, वो जो रडार उसको अल्लाह ने दे रखे हैं वो बहुत सेंसिटिव है, हमारे तो ये कुछ भी नहीं। असल शय जो है इंसान में, जो हाईएस्ट इवॉल्व्ड ऑर्गन है, वो ब्रेन है। अच्छा ब्रेन में जो उसका सबसे ज्यादा इवॉल्व्ड हिस्सा है वो है ग्रे मैटर, मैटर जो कहलाता है, एक जर्द रंग का सा मादा, उसकी एक तय है जो दिमाग के ऊपर ऊपर जो है वो दो दोनों के ऊपर चढ़ी हुई है दोनों हिस्सों पर, ये ग्रे मैटर है, ये हाईएस्ट इवॉल्व्ड हिस्सा है। इसमें एरियाज मार्क्ड हैं मुख्तलिफ सलाहियतों के लिए। ये विजन सेंटर है, ये पीछे है जहां पर ये आंखों से जो सेंस डेटा, ये कंप्यूटर, यहां से जो डेटा जाता है वो वहां फीड होता है और वहां इंटरप्रेट होता है, तब आप ये देखते हैं कि मैंने ये देखा, वरना यहां तो सिर्फ कैमरा लगा हुआ है, इस कैमरे ने सिर्फ तस्वीर जो है रिले कर दी है, इंटरप्रिटेशन उसकी यहां हो रही है। कानों ने जो कुछ सुना है वो उसका एक सेंटर जो है वो कॉर्टेक्स के अंदर है, ग्रे मैटर के अंदर, वो वहां से उसको समझ रहा है, उसकी इंटरप्रिटेशन हो रही है। तो हर सलाहियत के लिए हैवानात में ये जो है सूंघने वाला एरिया ये सबसे बड़ा, और इंसान का सबसे बड़ा एरिया जो है कॉर्टेक्स का, हाईएस्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेन का, वो है जिसे हम स्पीच सेंटर कहते हैं, सबसे बड़ा हिस्सा उससे कवर्ड है। और स्पीच सेंटर को फिर दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, सेंसरी हिस्सा उसका और मोटर हिस्सा, और स्पीच के ये दोनों हिस्से हैं। आप जब अखज करते हैं, मालूमात जमा करते हैं, उनको मुरतब करते हैं, जिसको मैंने कंपोजिंग से ताबीर किया था, ये उसका सेंसरी पार्ट है जो आपको मिल रहा है, ये फीलिंग हो रही है। उसका मोटर पार्ट जो है वो कंट्रोल करता है उन आजा को जिनसे आप वॉइसिस क्रिएट करते हैं, ये लिप्स हैं, ये आपका लेरिंग्स है, कॉर्ड्स हैं, मुख्तलिफ जो आवाजें आप निकालते हैं, ये उस मोटर हिस्सा जो है उसका, वो उसको फाइली हिस्सा, वो इनफियाली हिस्सा, ये फाइली हिस्सा, वो सेंसरी और ये मोटर, और इन दोनों पर मुश्तमिल जो है वो सबसे बड़ा एरिया जो है कॉर्टेक्स का ह्यूमन ब्रेन में, वो स्पीच सेंटर। तो जान लीजिए
کہ انسانی صلاحیتوں میں عظیم ترین صلاحیت وہ قوت بیان ہے. اور عجیب بات ہے, انگریزی میں بھی اس کے لیے لفظ سپیچ آیا, سپیچ سینٹر. سپیچ, سنسری اور موٹر دو اس کے پارٹ ہیں, لیکن ہے اس کے لیے جو جامع لفظ ہے سپیچ سینٹر. باقی تمام صلاحیتیں جو ہیں وہ نیچے رہ گئی ہیں, بلکہ ریٹروگریشن ہے اس میں, بجائے ارتقاء کے اس کے اندر کچھ کمی ہوئی ہے. حیوانات سے ہماری جسمانی قوت بہت کم ہے, نہ شیر کسی طاقت ہے, نہ ہاتھی کسی طاقت ہے, نہ اس کسی جسامت ہے. ظاہر بات ہے کہ ان چیزوں میں تو حیوانات سے بہت پیچھے رہ گئے. لیکن یہ کہ جو شے ہے وہ یہ ہے جس نے ان حیوانات کے اوپر ہمیں تسلط عطا فرمایا ہے, کہ ہاتھی کو بھی لیے پھرتے ہیں اور شیر کو بھی سدا لیتے ہیں. یہ سارا کچھ تو یہی ہے. اور اس میں جو ٹاپ کی شے ہے اس میں سب سے بڑا ایریا جو ہے آپ کے کارٹیکس میں وہ سپیچ سینٹر ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان, یہ فور سٹیٹمنٹس ہیں, بلکہ سٹیٹمنٹس تو تین ہیں, جملے تین ہیں, آیتیں چار ہیں. الرحمن علم القرآن آیتیں دو ہی, سٹیٹمنٹ ایک مکمل ہوا. خلق الانسان دوسرا سٹیٹمنٹ ہے, دوسری خبر ہے. تیسرا علمہ البیان, یہ تیسری خبر ہے, تیسرا جملہ ہے. اس نے لیکن چار میں تقسیم کیوں کیا, اب یہ اس کی حکمت میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. واللہ عالم, یہ چیزیں وہی ہیں جو ہمارے قیاس سے متعلق ہیں, صحت بھی ہو سکتی ہے اس میں, غلطی بھی, خطا بھی ہو سکتی ہے. ان چاروں چیزوں کو سامنے لا کر ایک آگے معاملہ رکھا ہے, ایک گیپ ہے جس کو اب آپ خود فل کر سکتے ہیں. ذرا سی منطق, منطق بھی لطف سے متعلق ہے, ذرا سی منطق ہو, ذرا سا لاجک ہو, ذرا سا کلام کو اس کے سیاق کی طرف لے جانے کی صلاحیت موجود ہو, کہاں جا رہا ہے کلام, کدھر لے کر جا رہا ہے. اور کلام کی فصاحت و بلاغت کا ایک حصہ یہ ہوتا ہے کہ جو نتیجہ آبویس ہو بالکل اس کو بیان نہ کیا جائے, لیو اٹ, آپ اس میں ڈیپینڈ کیجئے سننے والے کی ذہانت پر. وہ وہاں پہنچے گا تو اسے خوشی بھی ہوگی, اسے انشرا بھی ہوگا, وہ سمجھے گا یہ میری دریافت ہے. اور اگر محض آپ نے اس کو پڑھا دیا ہے تو وہ لے لے گا, قبول کر لے گا, لیکن اس کے ساتھ اس کی وہ جو ایک جذباتی سینٹیمنٹل اٹیچمنٹ ہے وہ کبھی نہیں ہو. لہذا جو چیز نتیجے کے طور پر نکل رہی ہے اس کو وہاں پر آپ, اور اس کے لیے میں نے جو مثال اکثر بیان کی ہے وہ ہائی اسکول کے زمانے میں نسبت و تناسب کا ایک معاملہ ہوا کرتا تھا, ریشیو پروپورشن کا قاعدہ. تین ویلیوز گیون ہیں, چوتھی ویلیو تلاش کرو, اس کی جو نسبت اس کے ساتھ ہے وہی نسبت اس شے کی کس کے ساتھ ہوگی. تو تین گیون ویلیوز ہوں گی, چوتھی ویلیو آپ کو تلاش کر دو. چار جملوں میں, چار آیات میں چار چوٹی کی چیزیں آئیں, سٹیٹمنٹس تین بنے, تین گیون فیکٹس ہیں جو سامنے آ گئے, چوتھا نکالیے کیا ہوگا. رحمان نے قرآن سکھایا, تمام علوم میں چوٹی کائی, اسی نے انسان کو بنایا, تمام مخلوقات میں چوٹی کی مخلوق, اسی نے انسان کو بیان کی صلاحیت دی, اس کی تمام صلاحیتوں میں چوٹی کی صلاحیت, چوتھا نتیجہ کیا ہو. اس کی اس چوٹی کی صلاحیت کا ایک ہی صحیح مصرف ہے کہ قرآن کو بیان کرے, اس لیے کہ جس درجے کی صلاحیت ہے اس کا ہدف, اس کا استعمال اسی درجے کی شے پر ہونا چاہیے. ورنہ ہمارے ہاں جو ایک محاورہ ہے کہ توپ سے مکھی مار رہے ہیں, یہ اس کے برعکس ایک کیفیت جو ہے اس کو آپ ایک محاورے میں تنزی انداز میں کہتے ہیں کہ جو اگر دشمن بہت ہی کمزور ہے تو اس کے لیے بہت زیادہ لمبی چوڑی تیاری کیا, اس کے لیے اتنی تیاری کی جائے گی. توپ فراہم کرنا مکھی کو مارنے کے, اگر آپ کے پاس ایک نہایت اعلیٰ درجے کی صلاحیت ہے اور اسے آپ کسی گھٹیا مقصد کے لیے استعمال کر رہے, وہ گھٹیا مقصد جو کسی اور صلاحیت سے بھی استعمال کیا جا سکتا, اگر آپ نے اپنی قوت بیانیہ کو روٹی کمانے کا ذریعہ بنایا ہے تو اس سے بڑی توہین اس قوت بیان کی کوئی نہیں. وہ روٹی جو آپ کے ہاتھ پاؤں بھی کما سکتے تھے, اور بہترین جو ہے روٹی وہی ہے کہ جو ہاتھ پاؤں سے کمائی گئی, جس کو قسم کیا گیا اور جس کے لیے انسان نے محنت جسمانی جو ہے اس کے اندر صرف کی, اعلیٰ ترین روٹی وہی ہے, حلال ترین رزق وہی ہے. قوت بیانیہ یہ تو توپ ہے جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہے, اس کو اس کا مطلب. یہ در حقیقت جو ظلم کی تعریف ہے, ظلم کیا ہے, وضو شے فی غیر محلے ہی, کسی شے کی اس میں نفی نہیں ہوتی, کسی شے کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دینا یہ ظلم ہے. قوت بیانیہ کو, صلاحیت بیانیہ کو کسی اور مقصد کے لیے صرف کرنا,
उसूल इक्तदार बाई ओरेशन, एक शख्स डेमागॉग है, बहुत बड़ा खतीब है और वो उसे अपने हुसूल इक्तदार का जीना बना रहा है। कोई शख्स है जो उसे अपने पैसा कमाने की एक मशीन बना रहा है। किसी ने उसे किसी और शोहरत हासिल करने का जरिया बनाया है, किसी ने किसी और